कोर्ट में अग्निकांड और जबरन घर तोड़ने वाले पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आरजेडी विधायक। आपको बता दें कि घटना दरभंगा जिला के स्टेडियम रोड में 10 तारीख के रात में एक ही परिवार के 3 लोगों को आग में झुलसाया गया और जबरन उसके घर को जेसीबी से तोड़ने का प्रयास भूमाफियाओं के द्वारा किया गया, जिसमें एक गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत उसी दिन हो जाती है और आज सुबह महिला की मौत के साथ उस परिवार के एक ही बेटे संजय था की भी मौत हो जाती है। इसी घटना को लेकर के आज शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद परिवार से मिलने पहुंचे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि यह नगर थाना से प्रभारी को लाइन हाजिर करने से खाना पूर्ति की जा रही है, दरभंगा प्रभारी एसपी को निलंबित करना चाहिए और यह सुशासन के सरकार में नरसंहार भूमि माफियाओं के द्वारा किया गया है। प्रशासन सिर्फ दारू माफियाओं को संरक्षण देने और भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए रह गई है। इस परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। इस परिवार के प्रति मृतक व्यक्ति 15 लाख का मुआवजा सरकार से हम लोगों की मांग होगी और जो भी संभव मदद होगा वो हमारी पार्टी की ओर से भी, फ्रेंड्स ऑफ आनंद की ओर से भी किया जाएगा और अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी की मिलीभगत है और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। वो भी ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, माफिया लॉ है, भू माफिया लॉ है। हाँ, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। कल सर प्रभारी एसएसपी के द्वारा नगर थाना अध्यक्ष को जो है सो लाइन हाजिर भी किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, हम तो कहेंगे कि एसपी साहब पहले इन लोगों को जो एसएसपी हैं आपको जिनके घर पे परिवार गया था, इनके ऑफिस में परिवार गया था, इनसे बात हुई थी और उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, फोन पे इनको आगाह किया गया, सबसे पहले तो इनको निलंबित होना चाहिए था। इलाज को घायल थे, इलाज को लेकर के जो प्रक्रिया चली उसको उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्या उसको बचाया जा सकता था? सही जगह उसको भेज करके इलाज कराया जा सकता था? जब 90% बर्न हो जाता है, हाँ ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा, डॉक्टर भी आपको बताता है 90% में बहुत कम उम्मीद होती है, लेकिन हम ये कहेंगे उसके बावजूद बिहार सरकार का ये दायित्व होता है कि ऐसे मामले को जो उनकी लापरवाही के वजह से हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा जो है परिवार को मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कराया गया। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, कितना आप लोग संतुष्ट है इससे? नहीं, हम तब तक संतुष्ट नहीं है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद तब तक संतुष्ट नहीं रहेगा। आरजेडी आज हम जिस पार्टी के हैं उसके लिए भी लोग यहाँ पर हैं, तो हम तब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक एसएसपी को सस्पेंड नहीं किया। सर, आर्थिक रूप से परिवार में संजय जी ही थे कमाने वाले, अब वो भी नहीं रहे, आप बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस सरकार का ध्यान दारू में है उससे ज्यादा हम लोग 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।